पैनल से मैं ऑपरेट करूँगा, देखिएगा। स्टार्ट बटन दबाया, ग्रीन लाइट चला, कंप्यूटर चालू हो गया। स्टॉप बटन दबाया, रेड लाइट चला और ये स्टॉप हो गया। फिर से जैसे ग्रीन डॉट, ग्रीन लाइट चला, स्टार्ट बटन दबाया और यहाँ आके देखिए सेंसर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पीएलसी लेक्चर सीरीज़। इस वीडियो में मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम, पीएलसी प्रोग्राम बनाऊंगा, जिसको ये पैनल के अंदर मैं पीएलसी कनेक्शन करके रखा हूँ, पीएलसी में अपलोड करूँगा। और फिर ये पैनल से स्टार्ट स्टॉप से ये कन्वेयर बेल्ट का जो मोटर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये मोटर को चालू करूँगा, स्टॉप करूँगा और ये बकेट कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से पास होते जाएगा। और जैसे यहाँ पे आएगा ये सेंसर स्टॉप कर देगा कन्वेयर बेल्ट को। ऐसा सिस्टम आप एयरपोर्ट में देखे होंगे, सिक्योरिटी चेकिंग का जो लाइन होता है वहाँ पर। तो क्योंकि हमारे पास रियल ये सब इक्विपमेंट है नहीं, तो मैं ये सॉफ्टवेयर में इसको डिज़ाइन किया। उसके बाद ये पीएलसी जो सीमेटिक मैनेजर का प्रोग्राम है, सीमेटिक मैनेजर से प्रोग्राम करके इसको कंट्रोल करूँगा। तो पीएलसी लेक्चर सीरीज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, आप स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा इनपुट क्या क्या रहेगा, एक स्टार्ट बटन, एक स्टॉप बटन और ये सेंसर। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा मोटर, और ये दोनों के अंदर एक लाइट है। जैसे स्टार्ट बटन दबाएंगे, स्टार्ट बटन का लाइट जलेगा ग्रीन लाइट, स्टॉप बटन दबाएंगे तो रेड लाइट जलेगा। तो आउटपुट हमारा यहाँ पे रहेगा 3, मोटर का, स्टार्ट और स्टॉप बटन का लाइट, और इनपुट भी 3 रहेगा पीएलसी में, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन और ये सेंसर। तो फिलहाल चलते हैं सीमेटिक मैनेजर में। सबसे पहले क्या क्या इनपुट आउटपुट होगा हमारा वो असाइन कर लेते हैं। मैं पहले से करके रखा हूँ, आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट बटन I0.0 यूज़ किया हो, स्टॉप बटन के लिए I0.1 और सेंसर के लिए I0.2 और आउटपुट के लिए कन्वेयर बेल्ट के लिए क्यू 4 नंबर बाइट का पहला बिट Q4.0 और स्टार्ट बटन का जो लाइट है ग्रीन लाइट उसके लिए Q4.1 और स्टॉप बटन का लाइट के लिए Q4.2। तो मैं ये पहले से सेव करके रखा हूँ, अभी प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले मैं एक स्टार्ट बटन ले लेता हूँ, स्टार्ट बटन का एड्रेस असाइन कर देता हूँ। उसके बाद एक एशर फ्लिप फ्लॉप M0.0 मेमोरी एड्रेस असाइन करती है और कन्वेयर बेल्ट के लिए एक कॉइल, कन्वेयर बेल्ट। प्रोग्राम सिंपल से रहेगा, लेकिन ये प्रोग्राम चालू करके प्रैक्टिकली कैसे एक सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं वो इस वीडियो में बहुत अच्छे से दिखेगा आपको और अच्छा लगेगा बहुत। अच्छा, अभी स्टॉप बटन ले लेते हैं। स्टॉप बटन के लिए, स्टॉप बटन का एड्रेस था स्टॉप बटन, ओके। और जैसे स्टार्ट बटन दबाएंगे, कन्वेयर बेल्ट चालू होते ही तुरंत स्टार्ट बटन का जो इंडिकेटर वो जलना चाहिए। तो यहाँ पे और एक कॉइल में लेके स्टार्ट बटन का जो लाइट रहेगा, स्टार्ट बटन लाइट उसको ऐड कर लेता हूँ, स्टार्ट बटन लाइट। अभी हमारा और एक इनपुट है वो है सेंसर। सेंसर का काम क्या है, कन्वेयर बेल्ट को स्टॉप करना है, मतलब ये एसआई फ्लिप फ्लॉप को स्टॉप करना है सेंसर को। तो इसके लिए मैं और एक कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ, एनसी टाइप सेंसर, सेंसर हो गया। लेकिन ये जो सेंसर है ये पहले से एनसी है, तो अगर इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे जोड़ दूँगा तो ये हमेशा स्टॉप रहेगा, चालू नहीं होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक एज डिटेक्टर लगाने वाला हूँ, तो जैसे ही सिग्नल चेंज होगा उस टाइम पे ये एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे मैं एक नेगेटिव एज डिटेक्टर लगा लेता हूँ, इसका एक मेमोरी एड्रेस असाइन कर देता हूँ, फिर इसको इसका आर में लगा देता हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट इसको कन्वेयर बेल्ट को चालू और स्टॉप दोनों का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। और एक नेटवर्क लेते हैं, जैसे स्टॉप बटन दबाएंगे स्टॉप बटन का लाइट जलना चाहिए। तो एक एनसी कॉन्टैक्ट लेना पड़ेगा, स्टॉप बटन
और यहाँ पे एक कॉइन स्टॉप बटन का लाइट के लिए। तो प्रोग्राम ऑलमोस्ट फिनिश्ड, प्रोग्राम को मैं पीएलसी में डाउनलोड कर लेता हूँ। प्रोग्राम रन मोड में चला गया। अभी इसको मेरा जो सिस्टम है इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। ड्राइवर्स, स्टार्ट बटन देखिए, ये पीएलसी है। स्टार्ट बटन i0.0 जो मैं यूज़ किया प्रोग्राम में, स्टॉप बटन 0.1, सेंसर 0.2, कन्वेयर 40 4.0, स्टार्ट बटन लाइट 4.1, सारे कनेक्टेड है, कोई इशू नहीं है अभी। तो अभी जो जैसे ही मैं उसको डाउनलोड किया तो इसके अंदर में जो पीएलसी है उसमें डाउनलोड हो गया है। अभी इसको रन करके देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बग है, क्योंकि जैसे ही मैं रन किया तो चालू स्टार्ट होने नहीं रहा है, तो चालू हो गया, ऊपर से सेंसर से काट ऑफ भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा इशू है इसमें, उसको रिजॉल्व कर। प्रोग्राम का पीएलसी में ठीक ठाक डाउनलोड नहीं हुआ था, उसके लिए थोड़ा बग था। अभी देखिए प्रोग्राम एज इट इज़ है, कुछ इशू नहीं है। और जैसे मैं यहाँ पे रन मोड में डाल के पैनल से मैं ऑपरेट करूँगा, देखिएगा स्टार्ट बटन दबाया, ग्रीन लाइट चला, कन्वर्टर लाइट चालू हो गया, स्टॉप बटन दबाया, रेड लाइट चला और ये स्टॉप हो गया। फिर से जैसे ग्रीन लाइट चला, स्टार्ट बटन दबाया और यहाँ के देखिए सेंसर इसको डिटेक्ट करते ही स्टॉप हो जाएगा। इसको फिर से चालू करके आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। कुछ भी प्रोग्राम बना के उसको रियल लाइफ में कैसे कैसा काम कर रहा है अब इधर सिस्टम बना के देख सकते हैं। Thank you so much for watching.